आज मैं आपको लेकर आ गया हिमाचल के भवाना शहर में, और आज मैं आपको लेकर आ गया यहाँ के फेमस रिंकू इंडियन कॉर्नर पे। इनका जो स्प्रिंग रोल और पनीर बटर चाउमीन है यहाँ पे पूरे भवाना में बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए चलते हैं इनके पनीर बटर चाउमीन की मेकिंग देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो भैया नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम संजय दीवान। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? लगभग 23 ईयर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे स्प्रिंग रोल की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे तवा ले लिया गया है, तवे पे ऑयल डाल दिया गया है। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे स्प्रिंग रोल बनाया जा रहा है। तो स्टाइल देखते हो बनाने का, कितने बढ़िया तरीके से इसको बनाया जा रहा है। तो स्प्रिंग रोल की हमारी शीट बना ली गई है यहाँ पे। तो अंकल जी कितना टाइम लगता है शीट बनाने में? शीट बनाने में दो तीन मिनट लगते हैं। तो 2 से 3 मिनट में हमारी यहाँ पे शीट रेडी हो जाएगी। तो देखते हैं शीट रेडी हो चुकी है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या स्टफिंग करते हैं। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे स्प्रिंग रोल में फिलिंग की जा रही है। तो अंकल जी क्या क्या रहता है इसमें? पत्ता गोभी है, गाजर है, और शिमला मिर्च है, प्याज है, नमक, सॉस सब मिलाते हैं इसमें। इसको सील किस चीज किया जाता है सर? जो बैटर बनाया था उसी से इसको सील कर दिया जाता है। तो हमारा स्प्रिंग रोल बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ऐसे करके हम सारे स्प्रिंग रोल एक साथ रेडी कर लेंगे। चाइनीज में क्या क्या आइटम बनाते हो? चाइनीज में आ जाएंगे आपके चाउमीन, जाएंगे मोमोज, आएंगे नॉन वेज वगैरह। चाउमीन में आपको अपना बटर चाउमीन मिल जाएगी, पनीर चाउमीन वगैरह जो भी है वो आइटम सारी। सबसे पहले हमारे यहाँ पे वेजिटेबल जानी जा रही है। प्याज आ गया, ये थोड़ी सी पत्ता गोभी आ गई। तो मैंने सुना आपकी दुकान का पहले रिंकू चाइनीज कॉर्नर था, तो आपने चेंज कर दिया सर? चेंज कर दिया था नाम इसका। तो कैसे चेंज किया? चेंज तब किया जब चाइना के साथ थोड़ी सी झड़प हो गई इंडिया की, तो हमने इसका नाम ही चेंज कर दिया, रिंकू इंडियन कॉर्नर कर दिया इसके बाद। बहुत बढ़िया। तो देखो बटर पनीर चाउमीन लगने जा रही है, तो आपको बटर मिल जाएगा, पनीर मिल जाएगा, बढ़िया चाउमीन बनाई जाएगी। चाउमीन डाली जा रही है और काफी ज्यादा फेमस है की है, बाकी पनीर वगैरह जो 120 की है। तो कैसे सोचा था कि ऐसे जब हम कुल्लू मनाली जाते थे वहाँ पे मोमो वगैरह खाते थे, हमारे भाई जैडी मिला क्या यहाँ पे करते आगे। तो बहुत पसंद करते हैं भवाना में। ये ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली खुद बनाते हैं इसको। मटर पनीर चाउमीन का प्राइस कितना रहता है? 120। 120 रुपए। एक गार्लिक पेस्ट है, लहसुन पेस्ट जो हमारे खुद बनाते हैं। बढ़िया टेस्ट आता है जो बिल्कुल। सबसे ज्यादा ही चलती है चाउमीन और मोमोज और थुपका। हमारा यहाँ पे बटर डाला जा रहा है। तो कहाँ से सीखा आपने चाइनीज बनाने? ये कुल्लू में सीखा था मैंने। तो चाउमीन की रंगत देखिए तो कितनी बड़ी आ गई है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। एकदम बटर डाल के अच्छे से पकाया जा रहा है, तो एकदम बढ़िया तरीके से देखिए हमारे यहाँ पे चाउमीन बन के रेडी हो चुके हैं। तो लोग स्प्रिंगो भी बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, और बवाना में आप चाइनीज बनाओगे तो कभी आपको यहाँ पे पहुँचा देगा। हाँ जी, तो चाउमीन हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे बनने जा रहे हमारे गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल। तो कढ़ाई में देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 2 स्प्रिंग रोल डाल दिए गए हैं। तो भाई जी कितना टाइम लग जाता है इसको बनने में? 5 मिनट में। तो स्प्रिंग रोल देख सकते हैं हमारे बनके रेडी हो चुके हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब इनको निकाल दिया जाएगा। तो स्प्रिंग रोल की यहाँ पे कटिंग की जा रही है, कितने पीस में कट किया जाता है इसको? इसको जी 6 पीस आते हैं। 6 पीस होते हैं। एक स्प्रिंग रोल कितने रुपए के आते हैं? यहाँ 25 का एक पीस। 25 का एक पीस। और ये आ गया चाट मसाला, 25 चाउमीन। देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। और नेक्स्ट है यहाँ पे स्प्रिंग रोल, साथ में दिए इन्होंने 4 टाइप की चटनी। भाई जी टाइमिंग क्या रहती है आपकी शॉप? टाइम हमारी सुबह 6 से लेके शाम को 9 बजे तक होते हैं। और बीच में कितने दिन ओपन रहती है शॉप? बीच में ओपन क्लोज खुली रहती है हफ्ते में? हफ्ते में खुली रहती है, महीने में एक छुट्टी हो गई हमारी। नाम और एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे ये? रिंकू इंडियन कॉर्नर, खैर रोड चौक, बुआरना, तहसील बारमू, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।